नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका इंडिया साइंस के साप्ताहिक कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज के अंक में बात करेंगे धरती के अंदर गए बिना हम कैसे जानते हैं क्या छिपा है धरती के गर्भ में, और साथ ही समझेंगे स्पर्श के विज्ञान को। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती वहां की था कवि लगा लेता है। लेकिन ये बात विज्ञान पर भी लागू है। तभी तो पृथ्वी के गर्भ में गए बिना आज हम जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आइए जानते हैं वो कौन सी वैज्ञानिक तकनीक है जिससे हम पृथ्वी के अंदर ताक झांक कर सकते हैं। हमारे लिए अंतिम सीमा अंतरिक्ष नहीं बल्कि धरती है। हमने चांद पर इंसान भेजे, मंगल पर रोबोट भेजा और पृथ्वी से अरबों मील दूर प्लूटो की फोटो खींचने के लिए न्यू होराइज़न स्पेस प्रोब भेजा। जबकि हमारे कदमों के मात्र 4000 मील नीचे हम नहीं जान सके हैं, वास्तव में चरम ताप और दाब ने पृथ्वी के गर्भ को हमारी पहुंच से बाहर रखा है, लेकिन विज्ञान की पहुंच से नहीं। आज हम उल्कापिंड, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की तरंगों के अध्ययन से जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। जैसे पृथ्वी की चार मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। हमारी दुनिया पृथ्वी के क्रस्ट को बनाने वाली टेक्टोनिक प्लेट पर टिकी है, जो 3 मील से लेकर 40 मील तक मोटी है। क्रस्ट के नीचे चट्टानी मेंटल है, मेंटल के नीचे पिघला लोहा और निकेल की थोड़ी मात्रा से बना बाहरी कोर होता है, जो ठोस लोहे के आंतरिक कोर को घेरे रहता है। पृथ्वी के क्रस्ट को बनाने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं, तो वे कभी कभी टूट जाती हैं। ये टूटना और उनके साथ उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ही भूकंप है। भूकंप की घटना के साथ भूकंपीय तरंगे निकलती हैं और हमें सुनाई न देने वाली ध्वनि तरंगे भी निकलती हैं। ये तरंगे स्रोत से निकलकर काफी दूर तक जाती हैं, जिससे वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि कब और कहां भूकंप आया। भूकंपीय तरंगों का पृथ्वी की अंदरूनी संरचना का पता लगाने में वैसे ही उपयोग होता है जैसे एक्सरे से हमारे शरीर के अंदर के अंगों की स्थिति का पता करते हैं। भूकंप जमीन के कंपन को पूरी पृथ्वी पर फैलाता है। ये कंपन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से यात्रा करती है। सेस्मोमीटर इन कंपन को दर्ज करता है, जो इस बात की झलक देता है कि धरती के अंदर क्या है। इसके बाद कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए धरती के नीचे की तस्वीरें बनाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में कितनी तेजी से फैलती हैं। आंकड़ों का विश्लेषण और सिमुलेशन भी किया जाता है, जिससे पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में कई परतें हैं, जिनमें से कुछ के माध्यम से भूकंपीय तरंगों का फैलाव आसान है। इन तरंगों से परतों का घनत्व भी पता चलता है। इसके बाद भूमिका आती है खनिज वैज्ञानिकों की, जो परतों की संरचना का पता लगाते हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी की संरचना किन पदार्थों से बनी हुई है, ये पता लगाना आसान नहीं था। सैद्धांतिक रूप से इसकी संरचना में पदार्थों का वितरण लगभग वैसा ही होना चाहिए जैसा उल्कापिंडों और सूर्य में है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल में उपलब्ध पदार्थ वही है जिनसे एक ग्रह बनता है, क्योंकि तारों के अंदर की रासायनिक प्रतिक्रिया वैसा पदार्थ पैदा करती है जो पृथ्वी जैसे ग्रहों को बनाता है। इसके आधार पर सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की वेवलेंथ की तुलना ज्ञात तत्वों या पदार्थों से वापस लौटने वाली वेवलेंथ से कर वैज्ञानिक सूर्य की रासायनिक संरचना को समझ पाए। इससे पता चला कि सूर्य में काफी मात्रा में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और आयरन के साथ साथ पोटेशियम और कैल्शियम जैसे तत्व भी हैं। सूर्य में तत्वों की सापेक्ष मात्रा वैसी थी जो हमें प्राचीन उल्कापिंडों में देखने को मिलती है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये प्राचीन उल्कापिंड उन संरचनात्मक पदार्थों को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हम पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों को बना सकते हैं। वैज्ञानिक फिर भूकंपीय डेटा से पता लगाते हैं कि ये संरचनात्मक पदार्थ धरती के अंदर कैसे वितरित है। इसे पता चला कि पृथ्वी का कोर लोहे में समृद्ध है, ठोस है और सघन है। चूंकि सूर्य और उल्का पिंडों में कोबाल्ट, निकेल या क्रोमियम जैसे किसी अन्य भारी धातु से ज्यादा लोहा है, इससे पता चलता है कि लोहा पृथ्वी के बिल्डिंग ब्लॉक का बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह धरती के अंदर गए बिना विज्ञान की अलग अलग विधाओं के सहयोग से
पृथ्वी के गर्भ में छिपे रहस्यों को उजागर किया गया है। गर्मी, चिकनाहट, खुरदरापन ऐसी कई चीजें हैं जो हम उंगलियों के स्पर्श से पता कर पाते हैं। वास्तव में छूकर हम कई चीजों के बीच का बारीकी से अंतर भी कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पर्श की संवेदना के लिए उंगलियों की सिरों में पाया जाने वाला एक खास तरह का प्रोटीन जिम्मेदार है? आइए विस्तार से जानते हैं क्या है स्पर्श का विज्ञान। उंगलियों का स्पर्श कभी कभी आंखों का काम करता है। इस स्पर्श से बिना देखे ही कई चीजें समझ आ जाती हैं। वैज्ञानिकों ने एक हालिया शोध से पता लगाया कि ऐसा हम अपनी उंगलियों के सिरों पर पाए जाने वाले अश्रीन नामक प्रोटीन की बदौलत कर पाते हैं। अभी तक इस प्रोटीन की देखने और सुनने में भूमिका को लेकर हमारी इतनी ही जानकारी थी। अश्रीन प्रोटीन को कूटबद्ध करने वाले जीन USH2A में म्यूटेशन हो जाए तो अशर सिंड्रोम होता है। अशर सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जिसमें अंधापन, बहरापन और उंगलियों में कंपन महसूस ना कर पाने की समस्या होती है। इसलिए वैज्ञानिकों को इस बारे में कुछ अंदाजा तो था कि स्पर्श के एहसास के लिए अश्रीन प्रोटीन महत्वपूर्ण है। जर्मनी के मैक्स डेलब्रुक सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन के तंत्रिका वैज्ञानिक गैरी लेविन और उनकी टीम ने स्पर्श में अश्रीन की भूमिका को गहराई से समझने के लिए एक शोध किया। शोधकर्ताओं ने अशर सिंड्रोम से पीड़ित 13 ऐसे मरीजों का अध्ययन किया जिनमें विशेष रूप से स्पर्श की अनुभूति प्रभावित थी। इन मरीजों में उन्होंने तापमान में अंतर कर पाने, दर्द और 10 हर्ट्ज और 125 हर्ट्ज के कंपन को महसूस करने की क्षमता को जांचा। ये कंपन लगभग वैसा ही उद्दीपन है जो उंगली को किसी खुरदरी सतह पर फिराते वक्त मिलता है। वैज्ञानिकों ने इन परिणामों की तुलना 65 स्वस्थ लोगों के परिणामों से की। टीम ने पाया कि तापमान और हल्के दर्द के प्रति तो दोनों समूहों के लोगों ने एक जैसी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अशर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों ने 125 हर्ट्ज का कंपन स्वस्थ लोगों के मुकाबले 4 गुना कम महसूस किया और 10 हर्ट्ज का कंपन 1.5 गुना कम महसूस किया। इसका कारण जानने के लिए शोधकर्ताओं ने यही प्रयोग चूहों पर दोहराया। चूहों के 2 समूह लिए, USH2A जीन वाले और USH2A जीन रहित चूहे। नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल में छपे शोध के मुताबिक मनुष्यों की तरह दोनों समूहों के चूहे तापमान में बदलाव और दर्द का एहसास तो ठीक से कर पा रहे थे, लेकिन जीन रहित चूहों की तुलना में जीन सहित चूहे कंपन की संवेदना के मामले में बेहतर थे। वैसे तो अश्रीन प्रोटीन देखने और सुनने के लिए जिम्मेदार तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन चूहों और मनुष्यों में ये माइसनर कैप्सूल में भी मौजूद पाया गया है। माइसनर कैप्सूल सूक्ष्म और अंडाकार कैप्सूल जैसी रचना है जो उंगलियों की तंत्रिका कोशिकाओं को चारों ओर से घेरकर उन्हें सुरक्षित रखती है और सहारा देती है। ये खोज एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर माना जाता है कि तंत्रिकाएं अकेले ही संदेशों को प्रेषित करती हैं, लेकिन माइसनर कैप्सूल में पाई जाने वाले प्रोटीन की संदेश प्रेषण में भूमिका से पता चलता है कि तंत्रिका के बाहर उपस्थित अणु भी संदेशों के प्रेषण में भूमिका निभाते हैं। जीन और प्रोटीन दोनों पर आगे शोध से ये बेहतर समझा जा सकता है कि हमारी पकड़ बनाने की क्षमता कैसे बढ़ाई और नियंत्रित की जा सकती है। उम्मीद है साइटेक का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विज्ञान के एक बेहद रोचक पहलू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।